तू और म्यूजिक करके चलो क्या हाल चाल। तो भाई यार आ चुका है तुम्हारा भाई एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। एंड गाइस आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई एकदम नूब से लेकर प्रो बनाने वाला है, वो कैसे? तो यार वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा कैसे। तो यार भाई लोग बस यार आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ एंड गाइस जो आप लोग मिस्टेक करते हो वो बताने वाला हूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है वाला वीडियो होने वाला है, तो बस यार आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड साथ ही एक बंदा मेरे से पूछा था कल, कमेंट आया था भाई आपका केडी कितना है, तो भाई लोग यार ज़्यादा नहीं है बट गाइस आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 89 मैंने मैचेस खेले हैं एंड गाइस यहाँ पर 10 बार मैंने यहाँ पर जीता हुआ है, 67 बार मैं टॉप 10 में गया हूँ। एंड फिनिशेस की बात करें तो 564 गाइस यहाँ पर मेरा किल है, 6.34 का केडी है एंड तो भाई लोग यार थोड़ा कम है बट गाइस चलेगा। तो भाई लोग यार बस यार अपने भाई के जैसा केडी चाहिए। आप लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना। तो चलो बिना टाइम इसका वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग अपना पॉइंट नंबर वन ये है कि गाइस जब भी आप लोग अपना क्लॉ और सेटिंग वगैरह चेंज करते हो तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है एंड गाइस काफ़ी सारे बंदे तो ऐसे चेंज करते जैसे वो डेली कपड़े बदल रहे हैं, तो ऐसे चेंज हमेशा करते रहते। तो उनको ना भाई लोग यार सोचते हैं कि अलग सा चूल मस्त है कि अगर हम लोग डेली सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे फिर अपना क्लॉ चेंज करेंगे तो गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा एकदम जोनाथन मॉर्टल स्काउट जैसे एकदम होने वाला है, लेकिन यार चूतिया वगैरह हरकत करते हैं। चलो भाई लोग यार मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे करना है ये सब चीज़। एंड सबसे पहले आप लोग को तो कोई भी बड़े यूट्यूबर का सेटिंग नहीं फॉलो करना है, आप लोग जिसमें सही खेल पा रहे हो या फिर जिसमें आप लोग कम्फर्टेबल हो उसमें आप लोगों को सेंसिटिविटी फॉलो करना है। तो भाई लोग यार आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग को एक अच्छा सा सेंसी लो एंड उसमें आप लोग को कुछ दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड जो आप लोग क्लॉ है जैसे यहाँ पर अगर आप लोग टू फिंगर अच्छे से संभाल पाते हो तो आप लोग टू फिंगर खेलो, जैसे अगर आप लोग जितने साल से खेल रहे हो उसी में खेलो, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर चेंज करोगे तो गेम प्ले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई लोग यार मैं कम से कम फोर फिंगर खेल रहा हूँ 4 साल से एंड सेंसी आप लोग को पता होगा 3-4 साल से मेरा वही सेंसी है। तो यार ज़्यादा चेंज मत करो, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो सही हो जाए। अगर आप लोग डेली चेंज करोगे ना सेंसी और क्लॉ तो यार ऐसा लगेगा जब कोई बंदा आप पे रस करेगा आप लोग पैनिक सिचुएशन में आओगे, तो गाइस आप लोग ना इतना ज़्यादा घबरा जाओगे कि आप कोई सा भी बटन क्लिक कर दोगे एकदम भाई लोग यार पता भी चलेगा, और उसी के चक्करों में ना आप लोग काफ़ी अब मर भी जाओगे एंड मैं काफ़ी अब मर चुका हूँ। तो आप लोग समझ गए होगे, तो आप लोग को ये वाला गलती नहीं। तो चलो गाइस पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 2, तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कैम करके खेलना स्टार्ट कर देते हो, उसी में गाइस आप लोग कुछ भी नहीं खेलना सीखते हो। तो भाई लोग मेरा गेम प्ले थोड़ा एग्रेसिव होता है एंड वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड है, फिर भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार, घुसते हैं मरते हैं एंड अपना यही चलता है। लेकिन जब गाइस आप लोग 5 मैचेस में मरते हो ना, गाइस आप लोग 5 मैचेस में ना फाड़ने भी वाले हो, तो भाई लोग यार आप लोग बस यार घुसो एकदम फाड़ फूड़ दो एकदम भाई कुछ भी पता नहीं चले। तो यार आप लोग बस यार पागल की तरह खेलो, घुसो बंदे में, तो ऐसे करके अगर आप लोग खेलोगे ना तो आप लोग मरोगे, लेकिन गाइस जब भी गाइस आप लोग मरोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे एंड सीखोगे तो यार बंदे का जीप फाड़ के रख दोगे। तो भालोगे यार बस यार आप लोग कुछ भी नहीं करना, बस यार आप लोग थोड़ा सा घुसो बंदे में, रस करना सीखो, आप लोग थोड़ा सा घुसते घुसते ना भाई लोग आप लोग सीख जाओगे कैसे बंदे को मारना है। एंड भाई लोग यार मेरा जो गेम प्ले देखोगे ना तो मैं हर जगह पर घुस जाता हूँ, मतलब अपने स्क्वाड को कभी बताता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने टीममेट के साथ खेलते हैं, मैं रैंडम के साथ खेलता हूँ क्योंकि मेरे को टीममेट का भाई लोग यार बात सुनने में अच्छा लगता कि इधर से आ, तो अपना माइक ऑफ करके मैं खेलता हूँ एंड टीममेट के साथ जितना लड़ना रहता है लड़ लेता हूँ। एंड तो भाई लोग यार बस यार आप लोग को किसी भी एनिमी के बीच में घुस जाना है, अगर आप लोग मरोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, तो भाई लोग यार मरो एंड फिर गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, इंप्रूव भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग मरोगे। तो भाई लोग चलो यार पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो भाई लोग काफ़ी बार आप लोग सोचते हो कि भाई लोग प्रो प्लेयर यूट्यूबर ये सब इतने आसानी से 1v4 का क्लच कैसे कर देते हैं, मेरे से क्यों नहीं होता? तो भाई लोग कुछ मिस्टेक्स होती है जिसको आप लोग बदलते रहते हो एंड बार बार वो मिस्टेक्स करते रहते हो, तो इसी चक्करों में आप लोग उन गलतियों की वजह से 1v4 का क्लच या फिर कोई भी स्क्वाड आप पे रस करता है, तो आप लोग किसी भी बंदे को आराम से नहीं मार पाते, 1v4 का क्लच जल्दी नहीं कर पाते हो। तो चलो यार मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ मिस्टेक जो आप लोग हमेशा करते हो। जब भी आप पे कोई भी एनिमी रस करता है तो भाई लोग आप लोग क्या करते हो कि बंदे को फिनिश करने के चक्करों में मर जाते हो, मतलब बंदे अगर आ रहे रस कर रहे तो जिसमें आप लोग एक बंदे को नॉक करते हो ना तो उसको फिनिश करना स्टार्ट कर देते हो। तो भाई लोग आप लोग को ये गलतियाँ नहीं करना है, जैसे आप लोग स्ट्रीम वगैरह पे देखते होगे किसी यूट्यूबर को या फिर ऐसे ही अपने टीममेट वगैरह को स्पेक्टेट करते हो, तो जो प्रो प्लेयर रहते हैं ना वो सब ये गलतियाँ नहीं करते। जब उन पर कोई भी स्क्वाड रस करता है तो वो आप लोग देखोगे कि एक बंदे को नॉक करके छोड़ देंगे फिर दूसरे बंदे को मारने के फिराक में आएंगे, तो ऐसे में अगर वो अच्छा चांस मिल रहा है जब आप लोग एकदम आसानी से उसको फिनिश कर सकते हो
तब आप लोग मार के किल ले सकते हो। वरना अगर आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाला गेम प्ले हो रहा है एंड उसमें आप लोग को बिल्कुल भी फिनिश नहीं करना है, आप लोग को नॉक करके छोड़ देना। अगर आप लोग के पास एकदम आराम से बंदे को फिनिश कर सकते हो तो आप लोग करो आराम से, लेकिन गाइस अगर आप लोग को लग रहा है कि अभी मेरे को कोई मार देगा तो आप लोग उस वाले बंदे को छोड़ के जो बंदा जिंदा है ना उसको मारने पर फोकस करो। ऐसे करके आप लोग आसानी से यहाँ पर 1v4 का क्लच कर सकते हो। आप लोग कभी ट्राई करना, मैं भी पहले यही करता था तो भाई यार इम्प्रूवमेंट हुआ है गेम प्ले में। तो चलो पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, तो भाई लोग यार काफ़ी सारे बंदे करते हैं, मतलब बीच में ना 90% जरूर से बंदे ये करते हैं। जैसे बीच में ऑन करते हैं वैसे ही अपना गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, इरेंगल में चले जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों को ज़रूर से ना करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग ना मूड फ्रेश करने के लिए बीच में खेलते हो तो अगर आप लोग का पहला मैच अच्छा नहीं जाएगा तो यार आप लोग का ना दिन भी, मतलब यार आप लोग बीच में खेलते हो क्योंकि आप लोग का दिमाग फ्रेश हो जाए या फिर मज़ा आए, तो यार इसीलिए खेलते हो। अगर आप लोग का गेम प्ले अच्छा नहीं जाएगा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा एंड दिन भी अच्छा नहीं जाता है। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ इसका ट्रिक थोड़ा सा एंड। तो चलो यार सबसे पहले आप लोग जब भी स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग यूट्यूब पे जाओ, थोड़े वगैरह स्ट्रीमर वगैरह जो आप लोग को अच्छा लगता है यूट्यूबर उसका आप लोग क्लास देखना है। ऐसे करके ना कॉन्फिडेंस आता है और ये भी पता चलता है ना कि कौन से सिचुएशन में आप लोग कौन सा डिसीजन लेकर यहाँ पर बंदे को कैसे मारना है वो सब आप लोग को पता चलता है, अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है। तो ये आप लोग कर सकते हो या फिर 10 से 15 मिनट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके। अगर आप लोग को नहीं पता कैसे मेरे को ट्रेनिंग करना है तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। अपने जो एक मैंने वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले उस पर आप लोग जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा एंड थंबनेल आप लोग देख लो कुछ इस तरीके का है, तो आप लोग इस पर जा सकते हो। तो भाई आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो इस वाले वीडियो को देख के, पहले इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना ना फिर उस वाले वीडियो को देखना, तो आप लोग समझ जाओगे। फिर गाइज आप लोग प्रैक्टिस करके गेम प्ले स्टार्ट कर देना, फिर आप लोग देखोगे कि आप लोग गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो अपने लास्ट पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, तो भाई लोग अगर आप लोग सच्ची में 1v4 का क्लच करना चाहते हो ना तो ये वाला टिप्स ज़रूर से फॉलो करना एंड अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर देना। तो भाई लोग ये वाला जो टिप्स है ना काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग सच्ची में एकदम आराम से 1v4 का क्लच हैंडल करना चाहते हो तो ये वाला टिप्स ज़रूर से देख लेना एंड फॉलो करना। भाई जब भी आप लोग किसी बंदे पर रश करते हो ना तो अपने टीममेट के साथ खेलते हो तो वो आप लोग काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं एंड आप लोग को ना हद तक यहाँ पर रिवाइव देते हैं, तो यार आप लोग ना कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आप लोग काफी मरने से बच जाते। जो गलतियां आप लोग कर रहे थे वो आप लोग दोबारा नहीं सीखते, तो इसी चक्करों में आप लोग ना बहुत बार मरते। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग बच सकते हो एंड गाइस आप लोग भी आराम से 1v4 का क्लच कर सकते हो। तो भला यार आप लोग को आज से सोलो स्क्वाड खेलना चालू कर देना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप लोग को उसमें सब कुछ पता चलने वाला है। अगर आप लोग अकेले रहोगे आपको पता पहले से रहेगा कि आपकी कोई टीममेट नहीं है, आप गाइस यहाँ पर आराम से कैसे खेलना है। जब कोई बंदा आप पे रश करे तो यार आप अकेले हो, आप लोग कैसे रोटेशन देना है, कैसे स्प्रे देना है, कब रश करना है, कब फ्लैंक करना है, आप लोगों को सब कुछ पता रहेगा और जिम्मेदारी सिर्फ आप पे रहेगी। तो यार आप लोग ऐसे करके ना आराम से 1v4 का क्लच यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। शुरू में तो यार काफ़ी ज़्यादा हद तक टाइम लगेगा, बट गए जब आप लोग 1v4 का क्लच आराम से अपने अकेले हैंडल करने लगोगे तो उसमें आप लोग को टीममेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब गए आप लोग अपने टीममेट के साथ खेलोगे ना तो उसकी भी आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गए आप लोग अपने टीममेट के साथ नाम का खेल रहे हो, बाकी आप लोग अकेले ही पूरी स्क्वाड को संभाल रहे हो। तो ऐसे करके ना आप लोग आराम से 1v4 सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। तो ये वाला आप लोगों को कैसा लगा टिप्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आते एक लाइक जरूर से बनता है एंड अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना, अपने टीममेट में जितने भी आप लोगों के प्लेयर हैं सबको जरूर से शेयर कर देना। तो भाई यार बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस।